हेलो एवरीवन, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ और सेशन को बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। एक से दो मिनट में बच्चों को ज्वाइन होने दीजिएगा, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं सून एज पॉसिबल। कल की क्लास में आपके साथ जो ये सेशन चल रहा है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पार्ट हो सकते हैं, और आपने ये भी देखा कि आपके अभी पर्टिकुलर जो सीपीओ का एग्जामिनेशन है उसमें भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिले आपके एग्जामिनेशन में, तो हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है। एक से दो मिनट का हम वेट करते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। बच्चों को आने दीजिएगा। बलराम ओझा, मेघना श्रीवास्तव, कुछ बच्चे ऑनलाइन हैं अभी। और देखिए बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोग प्रॉपर टाइम पे आ जाया करें, ठीक है? आप लोग प्रॉपर टाइम पे आ जाया करें, कोई भी बच्चा लेट ना हुआ करे, क्योंकि दिक्कत हो जाती है और आपको भी यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? सब लोग आप टाइम पे आया करें, ठीक 10 बजे आ जाया करें, एक से दो मिनट का वेट कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टाइम पे आने की कोशिश करा करें। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को आना है वो आते रहेंगे, और सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हुम डिड महात्मा गांधी कंसिडर्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु और मेंटर? यहाँ पे महात्मा गांधी ने किसको अपना राजनीतिक गुरु और मेंटर, यहाँ पे मेंटोर बोल सकते हो, मेंटर बोल सकते हो, या मार्गदर्शक चुना? किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक चुना, इनका नाम क्या था? सब लोग आंसर करें। एवरीवन, महात्मा गांधी ने किसे अपना पॉलिटिकल गुरु और मार्गदर्शक चुना, क्या नाम था इनका, कौन है इनमें से? ऑप्शन आपके सामने है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड मोतीलाल नेहरू। एवरीवन आंसर करें बच्चे, हुम डिड महात्मा गांधी कंसिडर्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु और मेंटर? एवरीवन यहां पे कुछ ही बच्चों के आंसर भी नहीं, बच्चे आंसर करें सब लोग जो भी यहां पे ऑनलाइन हैं। ए ऑप्शन, वेरी गुड, याद रखेंगे बच्चों, सब लोग ध्यान से समझें। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर मैं बात करूं तो एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक समाज सुधारक थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के साथ साथ मोहम्मद जिन्ना, जिन्ना के भी गुरु थे, जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल एडवाइजर थे। एडवाइजर का मतलब मेंटर थे, मार्गदर्शक थे। गोपाल कृष्ण गोखले के अगर मैं जन्म की बात करूं तो महाराष्ट्र में इनका जन्म देखने को मिलता है 9 मई 1866 को, 9 मई 1866 को इनका जन्म देखने को मिलता है, और बहुत ही कम वर्ष की आयु में, लगभग 49 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो जाती है स्ट्रेस लेवल से। लगभग 1915 के अप्रॉक्स इनकी मृत्यु हो जाती है 49 उम्र की एज में। एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में इनका नाम याद आता है। एक क्वेश्चन इनके साथ जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है, ये बच्चों फाउंडर थे, किसके फाउंडर थे ये, कोई बताएगा? ये फाउंडर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाएगी तो फाउंडर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। इन्हें भी अहिंसा पसंद थी, नॉन वायलेंस पसंद था। इन्होंने नॉन वायलेंस के साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग उस टाइम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे उनको रिफॉर्म करने की बात की माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके साथ साथ महात्मा गांधी के गुरु, 49 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके साथ जुड़ जाते हैं, बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग, वेब पेज को किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में यहां पे लिखा जाता है, क्या है, किसको यूज करके लिखा जाता है वेब पेज को? एवरीवन, HTTP, URL, HTML एंड FTP। एवरीवन देखिए, याद रखेंगे बच्चों, यहां पे अगर मैं आपसे FTP की बात करूं तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या मतलब होता है इसका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTML की बात करूं तो HTML का मतलब होता है
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यहां पे क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज लिख के आ गया तो आप समझ जाइए HTML इज द राइट आंसर। वेब पेजेस को जब लिखा जाता है आर रिटन यूजिंग HTML का यूज करके आप लिखते हो। इसके अलावा बच्चों HTTP को आप जानते होंगे, HTTP का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सब बच्चे आंसर करें बच्चों। और URL की अगर मैं बात करूं तो आप देखते होंगे पर्टिकुलर जब आप YouTube की वीडियो चलाते हैं तो आप URL शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, URL शेयर करते हैं, और URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, इनकी फुल फॉर्म आ जाए कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है, URL की फुल फॉर्म क्या है, HTML की फुल फॉर्म क्या है, FTP की फुल फॉर्म क्या है, तो आप आंसर लगा के आ जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे इसको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से इसको जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यू स्टार स्पेस बेस्ड एक्सरे टेलीस्कोप, यहां पे एक्सरे टेलीस्कोप की यहां पे बात की जा रही है, न्यू स्टार स्पेस। पर्टिकुलर ये जो सर्वे करता है ये किस चीज में सर्वे करता है, पर्टिकुलर कौन सी फॉर्मेशन में सर्वे करता है, न्यू स्टार स्पेस, नाम से ही पता लग रहा है स्टार स्पेस, यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए पर्टिकुलर इस एक्सरे टेलीस्कोप्स को यहां पे यूज किया जाएगा डीप सर्वे करने के लिए। तो पर्टिकुलर किसका डीप सर्वे करता है यहां पे, एवरीवन, बिल्कुल सही, यहां पे कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, राहुल जहां, बलराम ओझा का आंसर सही है, डेट इज ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के यहां पे सर्वे करने के लिए न्यू स्टार स्पेस बेस्ड एक्सरे टेलीस्कोप का यहां पे यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको थोड़े से कहीं अजीब भी लग रहे होंगे, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर्स के पार्ट्स हैं, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि CPO के एग्जामिनेशंस में या जो भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसमें शॉर्ट जी के क्वेश्चन से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस सीरीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लास्ट तक जब तक चलाई जा रही है तब तक देखते रहें, समझते रहें चीज़ों को, आपकी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बन जाएगी। द यंग वन ऑफ क्रोकोडाइल इज कॉल्ड, द यंग वन ऑफ क्रोकोडाइल इज कॉल्ड, हाँ जी याद रखेंगे बच्चों, इसे बोला जाता है हैचलिंग, क्या बोला जाता है, हैचलिंग बोला जाता है। कोई भी यंग बच्चा, मतलब जो जो बर्ड, ये बर्ड्स वगैरह क्रोकोडाइल वगैरह का जो बच्चा है एक तरीके से बिल्कुल जस्ट अभी अंडे से एक तरीके से पैदा हुआ हो, यंग वन हो, बिल्कुल बिल्कुल न्यू जनरेशन का जो फॉर्मेशन होता है उसे हैचलिंग बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड टू एब्जॉर्व हीट, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड यहां पे हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है लिक्विड का किसके लिए, टू एब्जॉर्व हीट के लिए, किसका प्रिंसिपल है, कहां पे आप देखने को मिलेगा कि हीट को एब्जॉर्व किया जा रहा है और जो लिक्विड है उसका इवोपरेशन हो रहा है, इवोपरेशन ऑफ अ लिक्विड टू एब्जॉर्व हीट, किसका प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलर, हाँ जी बताइए किसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, एवरीवन याद रखेंगे बच्चों, आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो पर्टिकुलर इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका, कि इवोपरेशन ऑफ अ लिक्विड टू एब्जॉर्व हीट इज द प्रिंसिपल यूज्ड बाय रेफ्रिजरेटर, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पे आप एन को साइलेंट मानेंगे और लैंड एन को साइलेंट प्रोनाउंस करेंगे, तो व्हाट लैरिंक्स इज कॉल्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत लैरिंक्स किसको बोला जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सारे क्वेश्चंस आपके, ये जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बताइए बच्चों, सूर्य प्रताप सिंह, अनिल, राहुल झा, माइक, मेघना, अंशिका, वेरी गुड, वॉइस बॉक्स यहां पे इज द राइट आंसर, वॉइस बॉक्स बोला जाता है लैरिंक्स को, इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपका आता है। देखिए कम्युनिकेशन होता है जिसे बोला जाता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब नियर फील्ड कम्युनिकेशन कौन से कम्युनिकेशन होते हैं, यहां पे दो तरीके की बात की जा रही है, एक तो फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन की बात की जा रही है और एक रेंज की बात की जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए और रेंज कैसी होनी चाहिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन की बात करेंगे, आप समझ पा रहे होंगे नाम से, नियर फील्ड कम्युनिकेशन
बिल्कुल पास में जो कम्युनिकेशन अगर हो रही है सोर्सेस के बीच में, तो क्या चीज रिक्वायरमेंट है इसमें? याद रखेंगे बच्चों, रिक्वायरमेंट है शॉर्ट रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी। रेंज कितनी हो, शॉर्ट हो, और फ्रीक्वेंसी कैसी हो, हाई हो, उस तरीके का जो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है, दैट इज नोन एज नियर फील्ड कम्युनिकेशन। रेंज कैसी होनी चाहिए आपकी शॉर्ट, और हाई क्या होनी चाहिए आपकी फ्रीक्वेंसी। याद रखेंगे, काफी सही क्वेश्चंस हैं आपके साइंस के बैकग्राउंड्स का, ये बात ध्यान रखें। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट इज मोस्ट वाइड सेपरेट इन इंडिया इज, कौन सा इसमें जो फॉरेस्ट का टाइप है जो इंडिया में सबसे ज्यादा वाइड सेपरेट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में चर्चा कभी आपसे बाद में करूंगा मैं, जब वेजिटेशन वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आप आंसर दें, क्या है इसका आंसर? द टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट इज मोस्ट वाइड सेपरेट इन इंडिया इज, वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीडियस फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट होते हैं आपके? डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं जो पर्टिकुलर इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। इसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, यानी कि इस क्वेश्चन से आपको नासा की फुल फॉर्म पता लग गई। क्या होती है नासा की फुल फॉर्म? नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा कहां पे है? वेयर इज नासा? नासा कहां पे देखने को मिलेगी आपको, और कई बार आपने सुना होगा। हां जी, नासा कहां पे है बच्चों? सही आंसर करें। बेटा सब लोग आंसर करो, सब क्या? वीडियो आ रही है ना आपको? दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चों? लैग तो नहीं कर रहा है? एवरीथिंग इज फाइन? सब लोग आंसर करें, सब सही चल रहा है ना? ओके फाइन, आई थिंक वीडियो क्लियर आ रही है यहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, देखिए यहां पे याद रखेंगे बच्चों, अगर मैं नासा की बात करूंगा तो नासा बेसिकली आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन में। कहां पे देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन में देखने को मिलेगा। और कल मैंने आपसे क्या बात करी थी कि नासा की अगर मैं बात करूंगा, और नासा के वो बंदे जो स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं, वो पर्सन जो स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। इसी के साथ साथ रशिया के जो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रशिया के जो स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं पर्सन, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉस्मोनॉट बोलते हैं। और इंडिया के जो करते हैं उन्हें व्योमनॉट बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर नासा, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे देखने को मिलेगी आपको? वॉशिंगटन में देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है। कुंडनकुलम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से स्टेट में लोकेटेड है? एवरीवन, सब लोग आंसर करें बच्चों, सबके आंसर आने चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही। यहां पे याद रखेंगे आपका, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका कहां पे है? तमिलनाडु में है। लगभग 8 से 10 बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, 8 से 10 बार, 8 to 10 times ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हु प्लेड अ की रोल इन द रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी के रिवाइवल में इनमें से किसने बहुत बड़ा सहयोग दिया है? कौन है वो पर्टिकुलर, क्या नाम है उनका? और जिसका मैं आंसर दूंगा उसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे इनके बारे में। और याद रखेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी को उठाने में, रिवाइवल करने में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो है अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन का योगदान है, अमर्त्य सेन प्लेड अ की रोल इन द रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और अमर्त्य सेन के बारे में आप मेरे को सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आप मेरे को बताएंगे कि पर्टिकुलर नालंदा यूनिवर्सिटी और अमर्त्य सेन के बारे में आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हु वॉज द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू प्ले फॉर अ यूरोपियन क्लब? पहला फुटबॉल प्लेयर कौन रहा
जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यहां पे खेला है फॉर यूरोपियन क्लब, क्या नाम है उनका? याद रखेंगे, मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम वॉज द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर। मोहम्मद सलीम बच्चों पहले फुटबॉल प्लेयर हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जिन्होंने यूरोपियन क्लब के लिए खेला है, इस बात को ध्यान रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंट कंचनजंगा इज, माउंट कंचनजंगा इज क्या है, इसके बारे में बताइए। माउंट कंचनजंगा इज, हां जी बताइए, माउंट कंचनजंगा क्या आंसर आपको समझ में आ रहा है यहां पे कंचनजंगा के बारे में? एवरीवन, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है या फर्स्ट है, टॉलेस्ट है, थर्ड है, क्या है बताइए? सब लोग आंसर करें बच्चों, एवरीवन शुड गिव द आंसर। देखिए कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, देख सब लोग आप पार्टिसिपेट करा करें, जब भी क्लास को लिया जाए आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब लोग पार्टिसिपेट करा करें बच्चों। हां जी, सी ऑप्शन। देखिए याद रखेंगे, अगर मैं माउंट कंचनजंगा की बात करूंगा तो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड। और अगर एल्टीट्यूड की हाइट की बात करी जाए तो 8586 मीटर इसकी हाइट है, 8586 मीटर इसकी हाइट में आपको देखने को मिलेगी। आप इससे पहले मैंने आपको एक क्लास और कंडक्ट करवाई थी बच्चों, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो क्या आंसर करोगे आप? हाँ जी, सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो तब उस टाइम क्या आंसर करोगे? अगर मैंने आपको पहली क्लास में सबसे बड़ा बताया था वो कौन सा था बच्चों बताओ? एवरीवन, माउंट एवरेस्ट। कितनी हाइट थी माउंट एवरेस्ट की बच्चों? माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट थी? सब लोग आंसर करें, सबके आंसर चेक किए जा रहे हैं। वेरी गुड। एक और मैंने आपको बताया था अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट की बात करी थी, तो अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? व्हाट इज अबाउट द अर्थ डीपेस्ट पॉइंट? अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों? क्लास में बता चुका हूं पुरानी क्लासेस में आपको, अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? एवरीवन, क्या बताया था मैंने अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट आपको? मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच की डेप्थ की बात करूंगा, कितने डेप्थ पे है आपको, तो याद रखेंगे 11022 मीटर, 11022 मीटर को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हेन वाज द नमामि गंगे प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? नमामि गंगे प्रोजेक्ट को कब अनाउंस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? हां जी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को कब अनाउंस किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, याद रखेंगे बच्चों 2014 में किया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, नमामि गंगे जो आपका प्रोग्राम है, एक तरीके से जो आपकी रिवर है गंगा, नेशनल रिवर है गंगा, उसको दोबारा से उसके पुनरुत्थान के लिए, उसको उठाने के लिए, उसमें पर्टिकुलर उसको एक बहुत ही सुटेबल तरीके से देखने के लिए, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, उसमें कंजर्वेशन की फॉर्मेशन को देखने के लिए, बजट में 20,000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ यहां पे आई थी यूनियन गवर्नमेंट। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है आपका नमामि गंगे प्रोग्राम। और अगर नमामि गंगे प्रोग्राम की इंपॉर्टेंट बात की जाए तो याद रखेंगे पर्टिकुलर यहां पे सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात की गई, बायोडायवर्सिटी की बात की गई, रिवर सरफेस क्लीनिंग की बात की गई, अफॉरेस्टेशन की बात की गई, पब्लिक अवेयरनेस की बात की गई, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग की बात की गई और गंगा ग्राम की बात की गई। तो नमामि गंगे प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, इस पे पर्टिकुलर आपकी मिनिस्ट्री भी बना दी गई थी नमामि गंगे प्रोग्राम के ऊपर कि भाई गंगा को उठाना है किसी तरीके से, और क्यों ना उठे, गंगा इज अ प्रोमिनेंट रिवर इन आर कंट्री और उसको उठाने की कवायद यहाँ पे चल रही है। जून 2014 यहाँ पे आप फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हु इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग पेनिसिलिन? पेनिसिलिन को क्रेडिट करने में किसका सहयोग है,
किसने डिस्कवर की पेनिसिलिन की अगर मैं बात करूं यहां पे, और यहां पे बच्चों इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पेनिसिलिन क्या है, एंटीडॉट्स जो होती हैं आपकी बेसिकली एंटीबायोटिक्स बोल सकते हो, फार्मा की टर्म्स में आप इसको याद रखें, हु इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को डिस्कवर करने की खोज यहां पे किसके पास जाती है। बिल्कुल सही आंसर किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही आंसर कुछ बच्चों ने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग पेनिसिलिन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनमें से किसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, चुंबकीय गुण नहीं है, जिस तरीके से परमानेंट मैग्नेट के पास होते हैं, किसके पास चुंबकीय प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण नहीं है, कौन सा है इसमें जो आपको दिख रहा है, निकल भी है, आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी है, लेकिन क्या नहीं है, लोडस्टोन नहीं है। लोडस्टोन इज द राइट आंसर, याद रखेंगे लोडस्टोन फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगर मैं यहां पे बच्चों कुछ भी ऑप्शन डाल दूं, मैं यहां पे लाइमस्टोन कर दूं, लाइमस्टोन कर दूं तो कुछ समझ में आएगा एवरीवन, लाइमस्टोन कर दूं तो समझ में आएगा, बताइए जल्दी से। अच्छा आप में से ये बताइए, आप में से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट किस किस के स्ट्रांग हैं, फिजिक्स आपने किस किस ने पढ़ी है जरा ये बताइए सबसे पहले तो। सब लोग आंसर करें, सबने पढ़ी है। अब मैं आपको इसमें से दो ऑप्शन अगर निकालने को बोलूं कि पर्टिकुलर इनमें से आंसर में से दो ऑप्शन आपको निकालने हो तो कौन से आंसर आप निकालेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि क्वेश्चन ये कह रहा है परमानेंट मैग्नेट को यहां पे फोकस करना है, परमानेंट मैग्नेट को यहां पे फोकस करना है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो यहां पे पर्टिकुलर आप किसको निकालोगे अगर इंपॉर्टेंटली आपसे बोला जाए, दो ऑप्शन कौन से आप एक्सक्लूड करने की कोशिश करोगे, एवरीवन सी और डी पक्का। चलिए तो आपको मैं यहां पे दो ऑप्शन की चॉइस दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे कुछ बच्चों ने एल्यूमिनियम भी बोला है और लोडस्टोन भी बोला है, क्या पता इन दोनों में से कोई सा आपका आंसर हो, तो एक बार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके बारे में, एल्यूमिनियम और लोडस्टोन में कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, आयरन के बारे में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, निकल के बारे में भी कहने की बात नहीं है, एल्यूमिनियम और लोडस्टोन के बारे में आज कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड पर्टिकुलर यहां पे किस में होता है आपका, एथेनोइक एसिड बोलते हैं इतना, एथेनोइक एसिड किस में होता है बताइए, लेमन जूस आपको पता है क्या होता है, ऑरेंज जूस भी आपको पता है, टमाटो केचप भी पता है, और व्हाइट वाइनेगर माने होता है बच्चों सिरका, सफेद सिरके को बोला जाता है वाइनगेर, तो एथेनोइक एसिड पर्टिकुलर किस में होता है, आंसर करें किस में होता है, वाइनगेर में होता है, एथेनोइक एसिड किस में होता है, व्हाइट वाइनगेर में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट ईयर भी आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हु इज सपोज टू हैव सेड लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, इस तरीके से रहो कि जैसे तुम कल मर रहे हो, इस तरीके से जीना है जैसे कि तुम कल मर रहे हो, और इस तरीके से सीखो यू वर टू लिव फॉर एवर, और आपको जिंदगी भर मतलब हमेशा रहना है, सीखना इस तरीके से है कि आप जिंदगी भर उस चीज को सीखेंगे, उस चीज को सीखने से आपको फायदा मिलेगा, और रहना ऐसे है जैसे कि आप कल मर जाओगे, अपना 100% आज के प्रेजेंट की फॉर्म को देखो। मान्य किसके द्वारा ये बात की गई, तो याद रखेंगे मान्य एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बात की गई, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई, क्या लिव एज यू इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू फाइट फॉर एवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब्दुल कलाम को किस और नाम से जाना जाता था, अब्दुल कलाम का बच्चों दूसरा नाम क्या था, सब लोग आंसर करें, अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता था, सब लोग आंसर करें इस चीज के लिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। हाँ जी बताइए, किस नाम से जाना जाता था,
मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। इनको पर्टिकुलर अवार्ड की श्रेणी में जो आपके पुरस्कार हैं भारत के, उनमें से कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले हैं आपकी जो नॉलेज में हैं, कौन कौन से पुरस्कार माननीय अब्दुल कलाम जी को मिले हैं आपकी नॉलेज में जो हैं, आपके ज्ञान में जो हैं, जरा बताइए कौन कौन से पुरस्कार हैं जो इन... और चलिए गुड, एक बार सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं बच्चों, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो जो करवाए हैं, और एक से दो क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसके आंसर आपको करने हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट वाला जो फॉर्मेशन है आप वो बताएंगे मेरे को खुद घर से। स्टार्ट करते हैं, हुम डिड महात्मा गांधी कंसिडर्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु और मेंटर, एवरीवन क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं ऑलरेडी, बस आपको यहां पे आंसर करना है। अमृतसर सेन के बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चों, सारे बच्चे याद रखना मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पूरा प्रॉपर लिखेंगे अमृतसर सेन कौन है सब लोग। कोई भी बच्चा, यहाँ पे 30 बच्चे अभी ऑनलाइन हैं, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ऑफलाइन भी मेरे को एसेस कर रहे हैं, अमृतसर सेन के बारे में मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में सब लोग। थोड़ा सा बच्चों पार्टिसिपेट भी क्या करो, एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, मान लीजिए आपके ऑप्शन में जून 2014 नहीं है इस ऑप्शन में, तो आप जुलाई 2014 को लगा के आएंगे, ठीक है, जुलाई 2014 को लगा के आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर जून ऑप्शन में नहीं होगा तो उस केस में बस जून ऑप्शन में है तो जून 2014 को लगाएंगे। यहां पे ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, मेरे को आंसर बताएंगे इसका कि परमानेंट मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी जैसे होती है उसमें किसके पास नहीं है, सब घर से करके लाएंगे क्वेश्चन को बताएंगे। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेशन आपको यहां पे चेक करनी है, ध्यान रखें। वेरी गुड, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार रिवाइज किया, आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। डेली की क्लास में बच्चों आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने हो रहे हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन आपके 2 से 3 महीने की क्लास में भी होंगे, तो पहले अभी जो सेशन ये कंडक्ट कर रहा हूँ इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एज सून एज पॉसिबल, मैं आपको सारी प्रोवाइड करवा दूंगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उनको रिवाइज कर सकते हो एक बार अपनी फॉर्मेशन के साथ, अच्छे तरीके से क्लासेस को एसेस करें। बच्चों क्लास में समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, चीज़ें समझ में आ रही हैं? देखिए आप चैट ऑप्शन में कमेंट्स ना करें, आप जो कमेंट सेक्शंस होता है वहाँ पे कमेंट्स करेंगे सब लोग, ठीक है, पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं बाद में देख सकूं, मैं लाइव चैट को नहीं देख पाता बच्चे, कमेंट सेक्शन में करें तो कुछ मेरे को चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा और बच्चे भी उस चीज को एसेस कर लेंगे कमेंट सेक्शन से।
और हर बच्चा यहां पे कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करा करे, ठीक है राहुल। जहां आप अनअकैडमी पे भी कर सकते हो, अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस के नाम से क्लासेस हैं, और बाकी किसी बच्चे को अगर प्लस फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9412390333, ठीक है 9412390333 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाएगी। और देखिए 4 से 6 बजे आपकी क्लास है आज दोबारा से, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। अच्छा एक बात बताइए, इकोनॉमिक्स की क्लास कैसी लग रही है आप सब लोगों को? इकोनॉमिक्स समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? एवरीवन 4 to 6 PM आपकी आज इकोनॉमिक्स की क्लास है, उस क्लास में सब लोग आ जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं आपके लिए। और पर्टिकुलर देखिए जो भी प्लस पे हैं वो कोर्सेज में आइए, सब लोग कोर्सेज को एसेस करा करें बच्चे, 4 से 6 क्लास चल रही है। और अभी आने वाले टाइम में आपके लिए एक कोर्स लेके आया जा रहा है, उस कोर्स को मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। ये कोर्स है आपका स्पेशल प्रैक्टिस कोर्स ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2019, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। अभी CPO का एग्जामिनेशन आप देख रहे हो, एक एक साल पहले की भी करंट अफेयर्स आपसे पूछी गई हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी एनालिसिस आप पेपर में रखेंगे बच्चों और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो उस एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए आपकी जो लास्ट 6 मंथ्स हैं या 1 साल हैं उसमें सारी न्यूज़ आपको नहीं पढ़नी, कंप्लीट करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी आपको, उसके लिए सिलेक्शन मैं आपको दूंगा। लगभग बच्चों जनवरी से लेके जून तक मैं आपको सिलेक्शन दूंगा लगभग 300 क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चंस को ही पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना कुछ भी। आए तो ठीक ना आए तो ठीक, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उस सिलेक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर सिलेक्शन को करने के लिए तो आपको 300 क्वेश्चन बहुत सफिशियंट हैं। बात समझ में आ रही है? 300 क्वेश्चन आपके बहुत सफिशियंट हैं। तो कोशिश करो बच्चों, मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूँ कि कोर्सेस में आइए, और उसके बाद जो आपके पर्टिकुलर जुलाई से लेके और जो आपकी दिसंबर तक की करंट अफेयर्स है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हर एग्जामिनेशन में से देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश करें बच्चों, सारे बच्चे जो प्लस में हैं, इस कोर्स को बिल्कुल ना यहाँ पे छोड़ें, क्योंकि आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालने, फिर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स ना डालें करंट अफेयर्स में, जो क्वेश्चंस हैं किस तरीके से पैटर्न्स आएंगे यहाँ पे, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस आपको जरूरत नहीं है। मैं देने को आपको पर डे की भी एनालिसिस दे सकता हूँ करंट अफेयर्स की, लेकिन उसका कोई वर्चस्व नहीं दिखता मेरे को अभी फिलहाल। पेपर करीब है, आपको आपके मैथमेटिक्स सेक्शन पे, आपको अपने इंग्लिश सेक्शन पे, आपको अपने GS सेक्शन पे फोकस करना है, तो करंट अफेयर्स आप इतना पढ़ेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। उसके लिए हम बैठे हैं, और विश्वास करें क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा, ये मैं आपसे शॉर्टकट कहता हूँ। हर चीज़ को मैं लेकर चल रहा हूँ, देखिए पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो जाती है, लेकिन जितनी प्रॉपर एनालिसिस से आपको क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, एक एक क्वेश्चन में दम के साथ तैयार किया गया है, मेहनत के साथ तैयार किए गए हैं सारे क्वेश्चंस, प्रॉपर एनालिसिस से तैयार किए गए हैं एक एक दिन के क्वेश्चन, तो उनको आइए एसेस करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखें। बात समझ में आई? चलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ें, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और शाम को बैच में आइए, कल की क्लास में आप डेली आइए, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।